बारिश कितना तेज हो रहा है और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बारिश हो रहा है? और इसमें तो मन कर रहा है वीडियो बनाने का, पर वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि कोई नहीं है पकड़ने वाला मेरा कैमरा, तो मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ और सोची कि ब्लॉग ही थोड़ा शूट कर लेती हूँ। जो आप लोग देख सकते हैं कितना तेज बारिश शुरू हो गई है। इसमें तो बस भींग के नहाने का ही एक अलग मजा है। देख सकते हैं कितना खूबसूरती के साथ बरस रहा है ये, और मैं शूट कर रही हूँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और आज भी बारिश हो रही है, कल भी बारिश हुई थी, तो ब्लॉगिंग शूट करने का समय ही नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए कुछ इस तरह का बारिश धमाझम हो गया। कुछ रोड पर का भी नज़ारा आपको दिखा दिया जाए, देख सकते हैं बाहर कितना तेज बरस रहा है। तो कुछ बाहर का भी नज़ारा सोची मैं आप लोगों को दिखा ही देती हूँ कि बाहर में की भी कि कैसा बारिश हो रहा है बाहर रोड पे। और रोड पे देखिए कितना अच्छा बारिश हो, देख सकते हैं कितना मोटा बारिश हो रहा है वो देखिए, अल्टीमेट काफ़ी मज़ेदार। और इसमें तो गाड़ी चल ही रही है, गाड़ी भी नहीं रुक रही है। देखिए देखिए जिसको जहाँ जाना है वो जा ही रहा है। और ये देखिए बारिश हो रहा है, मन तो कर रहा है कि मैं नहा ही डालूँ, पर क्या करूँ, नहा नहीं सकती क्योंकि कोई पकड़ने वाला नहीं है और मेरा तबीयत ही खराब होने का डर है, इसीलिए स्नान तो करना ही है, पर क्या करूँ। कोई कैमरा पकड़ने वाला रहता तो मैं जरूर नहा लेती, जरूर से जरूर नहा लेती। फ्रेंड कैसे हैं, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अर्चना की उड़ान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये अभी स्नान किया स्कूल से आने के बाद, देख सकते हैं इसका बाल अभी गीला ही है और ये पंखा खोल के बैठी हुई है और पंखा अभी ये चल रहा है जो देख सकते हैं आप लोग, पंखा चल स्कूल से आने के बाद। और अभी ठंड किएगा, बारिश हो रहा है तो देख सकते हैं। और शाम होने को आया है और अब जाके मैं अपना ब्लॉग से आने के बाद ही ना आई हूँ स्कूल नहा के भी। और आप लोग तो लाइव में जुड़े ही थे क्योंकि सरसों का तेल इसके बालों में रात में मैं बहुत सारा डाल दी थी और मसाज कर दी थी, इसीलिए सुबह जल्दी जल्दी स्कूल जाना होता है इसीलिए ये बाल धो नहीं पाई थी, तो स्कूल से आने के बाद धोई है और अभी भूत जैसी लग रही है। एक दो दिन बीच करके मैं सरसों तेल का मसाज कर देती हूँ। तो उठो उठो बाल दिखा देती हूँ, पीछे घूमो बाल दिखाया, उठो उठो उठो, देख सकते हैं इसका बाल और काफी प्यारा हो चुका है। मैंने कॉम भी नहीं किया है, अभी कॉम भी नहीं किया है। और छोड़ो ना, देखिए देखिए इसका बाल इतना बड़ा हो गया है और इससे ज्यादा मैं बड़ा नहीं होने दूंगी क्योंकि बड़ा होगा बस मैं काट दूंगी, खुद से मैं काट देती हूँ इसका बाल। और किसी पार्लर एक सेकेंड मैं बढ़ाती नहीं हूँ, झूठ बोल रही है इनका। चलिए गाइस बाहर चलते हैं अब हम, और थोड़ा सा दिखाती हूँ कि मिट्टी का काम कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है। तो मैं चलिए बाहर दिखाती हूँ। और दो लेबर जो है वो नहीं आया है, एक टाइम आया सुबह में और फिर बारिश हो गई तो दोबारा नहीं आया। चलिए मैं दिखाती हूँ कितना काम हुआ है। एक ही आए हैं जो काम कर रहे हैं और दो नहीं आए हैं अभी काम करने के लिए, दो सवेरे में आए थे और उसके बाद दोबारा जो होता है बारिश हो गया उसके वजह से नहीं आए हैं। मैं दिखाती हूँ और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से अभी अभी मिट्टी ईटा डला रहा है जो आप लोगों को दिखा रहे हैं। बहुत सारा काम बचा हुआ है और बारिश होने नहीं दे रही, देख सकते हैं इधर अब ईटा डला रहा है और ये धूमसूर से इसको अच्छे से करेंगे वो कूट के और फिर इसमें वो ढाल देंगे ताकि मूसा ना लगे क्योंकि ये जंगलों के बीच में है तो मूसा काफ़ी परेशान करेगा, इसीलिए पहले ज़मीन बनना ज़रूरी है उसके बाद ही कुछ बनेगा, ऊपर से बनेगा। ऊपर दिख रहा अभी नहीं हुआ लेकिन नीचे का काम हो रहा है क्योंकि एक साथ साथ चलेगा सारे काम। और दो लेबर नहीं आए हैं, बस एक ही आए हैं जो वो काम कर रहे हैं। और इधर तो देखा ही है अभी पेड़ था, उसका नामो निशान नहीं है, वो पेड़ ख़त्म हो चुका है। यहीं पे वो पेड़ था जिस पे मैं शॉर्ट वीडियो बनाई थी, आप लोग देखे थे, उस पे मैं चढ़ रही थी, वही पेड़ है जो ख़त्म हो चुका है, अब नहीं है इधर।
और कट के वो उधर गया, वो दिख रहा होगा आपको किधर गया, वो देख सकते हैं काट के उधर रखा गया है। और इधर साग सब्जियां लगेंगी और इधर तो अब दरवाजा जैसे हो गया बिल्कुल चिकना, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और अभी रात हो गया है और मेरा बाल अभी तक सूखा भी नहीं है, इसका बाल अभी नहीं सूखा है देख सकते हैं, और रात हो गई है तो क्योंकि मैंने रावण से बांध के रख लिया, तो रात हो गई है। और अभी हम लोग क्या खाने जा रहे हैं वो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, सो आप लोग बने रहिएगा, जाइएगा कहीं। और क्या आया है सो दिखा रहे हैं आप लोगों को, ऑमलेट। और ऑमलेट किस किस को पसंद है प्लीज आ जाइए हमारे यहाँ, जो नॉन वेज खाते हैं। हाँ, जो लोग नॉन वेज खाते हैं, और आजकल तो बहुत लोग ऐसे हो गए हम वेजिटेरियन है लेकिन अंडा खाते हैं। और देखिए हमसे बड़ी हो गई है और मैं इसके सामने कितनी छोटी हूँ सो देख लीजिए, समझे लंबी हो गई है बच्ची। आपको भी लंबा होना तो रोज दूध पीजिए। हाँ, दूध पीजिएगा तो बहुत सारी फायदा होगा और दूध पीना चाहिए। वरना एक मासी थी हमारी पूछती है कि अच्छा क्योंकि भैया का भी हाइट बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा तो पूछती है क्या सो तो सब मतलब ऐसे लैंग्वेज में तो सब बेटा बेटी क्या हाइट इतना कला बढ़ जाता है, तो वो भी बोलती है क्यों तो फिर वो भी बोलती है हमारे बच्चा तक बहुत इतना है। मैं बोली कि मेरा बच्चा सब कुछ कुपोषित नहीं है, सब हिष्ट पुष्ट है इसीलिए। और वो बोल रही थी कि जब मिलती हूँ तो थोड़ा सा बड़ी, मैं थोड़ा सा नहीं ज़्यादा बढ़ी रहती है, तो इसी पे मैं बोली कि मेरा बच्चा कुपोषित नहीं है, सब तंदुरुस्त सब है इसीलिए। तो वो सभी लोग हंसने लगे थे इस बात के। और इसका भी बाल नहीं सूखा है और मेरा भी देख सकते हैं मौसम ऐसा मेरे से तो है। पहले धोई थी और मैं तो सूखने का एक रीजन ये मैंने बांध रखा था बाल तो नहीं, अभी बज रहा होगा 7:30 के आसपास हो रहा होगा, करिएगा। हाँ करूँगी। और अभी तक मेरा बाल नहीं सूखा है और मैं नहाई थी कितने बजे, 1 बजे के आसपास नहाई थी, बताइए। मेरा भी बाल नहीं सूखा है तो मैं जा रही हूँ अभी थोड़ा सा वो करने, बांध लूँगी, अच्छा नहीं लगता है तो मैं ढक लेती हूँ। और बाल देख सकते हैं और इसका बाल काफ़ी अच्छा हो गया है। और आप लोग भी सरसों का तेल अगर मिलता हो तो लगाइए, बाल काफी अच्छा होता है, मेरा भी इसी से होता है। तो फिर मैं ऑमलेट खा के आप लोग से नेचुरल चीजें यूज करें अपने बालों में, ऑमलेट खा के आप लोग से मिलती हूँ। और मैं छोटा छोटा ही अभी ब्लॉग बना रही हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्यार सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा, बिल्कुल बनाए रखिएगा और कहीं जाइएगा मत। और फिर अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, कोई आने वाला है मेरे घर, तो जब वो आएगा तो मैं उनसे जरूर मिलवाऊंगी और आप मिल के हैप्पी हो जाइएगा। बहुत जल्द आने वाला दीपावली के शुभ अवसर पर मेरे घर कोई आने वाला है तो मैं आप लोगों को जरूर मिलाऊंगी और वो जल्द ही चले जाएंगे। आप पहचानते भी नहीं होंगे शायद। हाँ, मैं बुक्स दिख रहा हूँ। तो ठीक है, बाय बाय इसी पे, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और बहुत सारी बातें के साथ। और यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, और आप लोग बने रहे, प्यार सपोर्ट बनाए रखें और इसी तरह हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। इसी पे मैं विदा लेती हूँ, बाय बाय।